अभी हम इसी कड़ी में अतुल कांत पीयूष भैया की शेयरिंग को सुनेंगे। भैया KIET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस दिल्ली NCR गाजियाबाद में कार्यरत है। भैया इस इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर एडिशनल HOD और एसोसिएट डीन के पद का कार्यभार संभाल रहे हैं। भैया ने फर्स्ट UHE वर्कशॉप जनवरी 2022 में किया था, तो भैया को मैं अभी आमंत्रित करता हूँ कि अपनी बात को रखें। भैया ओवर टू यू। जी भैया, भैया नमस्ते। कुमार भैया नमस्ते। सभी महानुभावों और प्रतिभागी श्रोताओं, को एक्सप्लोरर वॉलंटियर्स को मेरा नमस्कार। मैं समझता हूँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है भैया। जी भैया आवाज क्लियर है। इसके अलावा मैं सभी भैया और दीदी लोगों को अपना आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके सानिध्य में मेरी रुचि UHV की तरफ काफ़ी बढ़ी है पिछले दिनों में। जैसा भैया ने बताया, मेरा नाम अतुल कांत पीयूष है। मैं काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गाजियाबाद में सिविल इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत हूँ लगभग 11.5 वर्षों से। इसके पूर्व मैंने 12.5 सालों तक इंडस्ट्री में भी काम किया हुआ है। मैं आगे बताऊं तो मेरे परिवार में मेरे साथ मेरी पत्नी, एक बेटा एक बेटी, ये गाजियाबाद में रहते हैं। इसके अलावा मेरे पिताजी लखनऊ में निवास करते हैं। भैया, पिछले दिनों की बात है, जब मैं कॉलेज में 2021 में SDGs पर एक पॉलिसी बना रहा था, तो एक शब्द मेरे सामने आया और वो शब्द था सह अस्तित्व, को एक्सिस्टेंस। इस शब्द ने मुझ पर गहरा प्रभाव डाला और इसका अर्थ समझने का प्रयास मैं बिना कोई संदर्भ लिए अपने आप में कर रहा था। इसी बीच मेरी काइट में आलोक पांडे भैया से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे UHV की ऑनलाइन FDPs के बारे में बताया। और सर, 2022 जनवरी में पहली वर्कशॉप करी, उसके बाद लगातार 3 वर्कशॉप मई तक 2022 तक मैंने ऑनलाइन मोड में पूरी की हैं, और जो कि एक 16 दिन का कुल मिलाकर प्रोग्राम था। इसके अतिरिक्त भैया, मैंने फेस टू फेस मोड में भी अभी हाल में ही 8 दिनों की कार्यशाला 31 जुलाई से 7 अगस्त 2023, जो कि काइट में आयोजित हुई हुई थी, उसको भी मैंने अटेंड किया है। और इसके बाद मई 2022 से ही मैं सुबह के सत्र से जुड़ा। मेरा प्रयास रहता है कि निरंतर सुबह के सत्र में भैया भाग लूं, किंतु कभी कभी परिस्थितिवश या किसी कारणवश नहीं भी भाग ले पाता हूं, लेकिन मेरा सतत प्रयास रहेगा कि मैं UHV के विभिन्न आयामों को समझने का प्रयास जारी रखूं। तो मूल्यांकन के बिंदुओं पर अगर आया जाए, तो मानव के रूप में UHV FDPs और सुबह के सत्र से पहले मैं मानव को एक शरीर के रूप में ही देखता था। मेरे भाव का आधार मेरी मान्यताएं और संवेदनाएं रहती थी, किंतु UHV सेशंस के बाद मैं मानव को स्वयं और शरीर के सह अस्तित्व के रूप में देख पाता हूं। अब मैं स्वयं के उपकरण के रूप में शरीर को देखता हूं भैया। स्वयं में सही समझ और सही भावों की आवश्यकता और इसके महत्व को मैं महसूस करता हूं। विशेष रूप से अगर देखा जाए तो स्वयं के बारे में बात करें, तो स्वयं के बल, इसकी शक्तियों और इसकी क्रियाओं के विषय में जो प्रस्ताव रखे गए, उनके बारे में मेरी समझ विकसित हो रही है। जैसे कि मन के बल की स्थित क्रिया आस्वादन, उसकी गति क्रिया चयन, और फिर शक्ति क्रिया के रूप में आशा शक्ति को मैं देख पाता हूँ। इसी प्रकार ब्लॉक B1 की सभी शक्तियां, इच्छा, विचार और आशा को मैं देख पाता हूँ। किंतु ब्लॉक B2 में चित्त बल की स्थित क्रिया चिंतन द्वारा जो चित्रण की गत क्रिया बने, ऐसा मैं देखने का प्रयास करता रहता हूँ। और मेरा मानना है कि इससे मेरी इच्छा शक्ति का उचित विकास संभव है। मैं ये भी मानता हूँ कि अभी मैं बुद्धि बल द्वारा बोध पर थोड़ा ही काम कर पाया हूँ। इसके बारे में अगर देखा जाए तो विषय वस्तु पर थोड़ी समझ बनती नजर आती है, किंतु जीने में अभी
बहुत कार्य शेष है। आगे प्रकृति के रूप में मैं सभी इकाइयों को मिलाकर देखता हूं तो प्रकृति की समझ बनती है। प्रकृति में जो इकाइयां हैं इनका वर्गीकरण चार अवस्थाओं के रूप में किया गया है जो मुझे समझ आता है: पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। लेकिन मानव वर्तमान में परस्पर पूरक अवस्थाओं के लिए नहीं है, ये भी बात हमें दिखाई पड़ती है। और ये भी मालूम पड़ता है कि संसाधनों में कमी और प्रदूषण की जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, इसका कारण भी मानव का वर्तमान में परस्पर पूर्वक जीना नहीं है। प्रकृति में प्रचुरता को देखने से पता चलता है कि चारों अवस्थाओं का एक क्रम है, जिसमें सबसे अधिक पदार्थ अवस्था, फिर प्राण अवस्था, फिर जीव अवस्था और सबसे कम ज्ञान अवस्था देखी जा सकती है। मानव सही समझ के साथ परस्पर पूरक हो सकता है। केवल सही समझ के साथ ही मानव स्वसंगठित हो सकता है और उसके अंदर एक आंतरिक सद्भाव पैदा हो सकता है, जिससे कि उसकी बड़े स्तर पर एक बड़ी भागीदारी रूप में व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग वो दे सकता है। प्रकृति की प्रत्येक इकाई को देखें तो उसके पांच पहलू नजर आते हैं: रूप, गुण, प्राकृतिक लक्षण और सहजता तथा सह अस्तित्व। और अनुषंगिता की बात चलती है तो ये समझ में आता है कि पदार्थ अवस्था परिणाम अनुषंगी है, प्राण अवस्था बीज अनुषंगी है, जीव अवस्था वंश अनुषंगी है, जबकि ज्ञान अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें मानव है, मनुष्य है, मानव जाति है, ये शिक्षा संस्कार अनुषंगी है। शिक्षा संस्कार से ही मानव अपनी सहजता के अनुसार सुव्यवस्थित हो सकता है। उसके अंदर जीने की क्षमता का विकास संभव है जो कि सहज स्वभाव के आधार पर होगा। और प्रकृति की इकाई का वह सही उपयोग, संवर्धन और सुरक्षा कर पाएगा। और अंततः वह शेष प्रकृति के साथ परस्पर पूर्ति के लिए भागीदारी कर पाएगा। आगे चले तो अस्तित्व को प्रस्ताव के रूप में मैं आसानी से स्वीकार कर लेता हूं। जैसा प्रस्ताव रखा गया मुझे अस्तित्व, वह प्रस्ताव मुझे स्वीकार होता है, लेकिन पूरी तरह उसको देखना, उसको समझना, अभी इसमें बहुत काम करना होगा। जैसे कि जो चीज हमारे आसपास मौजूद है, जो वास्तविकताएं हमें आसपास दिखाई पड़ती हैं, वो सब अस्तित्व है। अस्तित्व में दो प्रकार की जो बेसिक रियलिटीज हैं, शून्य और यूनिट्स, तो इनका अंतर मैं समझ पाता हूं कि इकाइयां आकार में सीमित हैं तथा उनमें क्रिया होती है। इकाइयां क्रियाशील हैं, जड़ और चेतन दोनों प्रकार की इकाइयां हैं, जबकि शून्य असीमित है और क्रिया शून्य है। सभी इकाइयां शून्य में संतृप्त हैं। मेरी भागीदारी सह अस्तित्व को समझने और सह अस्तित्व में जीने की है, ऐसा मैं मानता हूं और समझता भी हूं। मैं व्यक्तिगत परिमार्जन द्वारा सामाजिक परिवर्तन कर सकता हूं और एक अखंड समाज की स्थापना में सहयोग कर सकता हूं, ऐसा विश्वास मेरे अंदर आया है। और जो ये प्रस्ताव के रूप में बात को रखना और उसके बाद सेल्फ एक्सप्लोरेशन की जो प्रोसेस पता पड़ी है, इससे मैं बहुत प्रभावित हूँ और मेरे जीने में भी इसका थोड़ा थोड़ा असर दिखाई देने लगा है। स्व अन्वेषण से प्राप्त जो सही समझ है, वही हमें मानव आचरण की निश्चितता की पहचान कराती है और इसके लिए सक्षम बनाती है। निश्चित मानव आचरण को ही हम एक प्रकार से नैतिक मानव आचरण कह सकते हैं। हम देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में नैतिकता को
नीतियों और चरित्र, इन तीनों के माध्यम से ही आत्मसात किया जा सकता है। अगर अभ्यास करने की बात करें तो हर मानव की निरंतर तृप्ति पूर्वक जीने के लिए एक अभ्यास करने की आवश्यकता हमें महसूस होती है। इसमें हमें तीन चीजें समझ में आती हैं कि सही समझना, सही भाव विचार करना और सही जीना। तो सही समझ की जो कुल वस्तु है वो मुझे समझ में आती है कि स्वयं से शुरू होकर ये संपूर्ण अस्तित्व तक समझने की बात की जा रही है। और जो मूल वस्तु है समझने की, वो एक हिसाब से चैतन्य, जड़ और सह अस्तित्व को समझने की बात की जा रही है। जो सही भाव और विचार करने की बात हो रही है वो संबंधों को लेकर है, प्रकृति में व्यवस्था को लेकर है और सह अस्तित्व को लेकर है। और सही जीने की जो बात की जा रही है वो परस्परता में सही जीने की बात की जा रही है। यह अभ्यास एक में चैतन्य मय काम करना है हम लोगों को, जिसमें जीवन शक्तियों के अंतः नियोजन या दूसरे शब्द का भी प्रत्यावर्तन की बात करते हैं हम लोग अभ्यास एक में। और अभ्यास दो में हम जड़ यानी शरीर को समझने का काम करते हैं, जिसमें हम अंतः नियोजन पूर्वक वह नियोजन की प्रयास करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं। तो अभ्यास एक में मैं अपनी कल्पनाशीलता को देख पाता हूं भैया, भावों को भी देखने लगा हूं, उनकी सहज स्वीकृति है या नहीं ऐसा मुझे मालूम होने लगा। इसका एहसास अब धीरे धीरे मुझको होने लगा है और ये भाव ही मुझे सुखी या दुखी बनाते हैं। धीरे धीरे ये बात भी मेरी समझ में आने लगी। पहले मुझे लगता था कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये किसी परिस्थितिवश या स्वतः अपने आप ये घटित हो रहा होगा, किंतु अब थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि इस समय जो भाव है उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। ये बात भी समझ में आती है कि भावों के लिए निर्णय का आधार मेरा मानना अधिक था और अभी भी है, लेकिन इतना पता चलता है कि मुझे वो भाव सहज स्वीकृत होते हैं अथवा नहीं। यही भाव संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व के अर्थ में होते हैं कि नहीं ऐसा मुझको अनुभव होता है। मैं अभी अपने भावों को संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व के अर्थ में निरंतर नहीं रख पाता हूं। जब मैं ध्यान देता हूं तो कुछ समय तक ये निरंतरता बनी रहती है, उसके बाद ये निरंतरता में आप टूट जाती है, मैं कहीं व्यस्त हो जाता हूं, ऐसा मेरा अनुभव है। भैया अभ्यास दो में जो मैं और शरीर की दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं ये प्रस्ताव के रूप में मुझे स्पष्ट दिखाई देता है। अनुभव के रूप में वास्तविकताएं तो अलग अलग स्वीकृत होती हैं, सहज स्वीकृत होती हैं। शायद मैं और शरीर का जो आदान प्रदान इतना सहज और व्यवस्थित है, तब अपने आप हो रहा है सब कुछ, शायद इसलिए इसका अभी मुझको एहसास हर पल हर क्षण नहीं निरंतरता पूर्वक रह पाता है। जब भी मैं ध्यान देना शुरू करता हूं तो इसका सह अस्तित्व, इसके बीच में जो आदान प्रदान हो रहा है उस पर मेरा ध्यान जाने लगा है। शरीर को संकेत देना और संवेदना को पढ़ने का प्रस्ताव भी मुझे स्वीकार आसानी से होता है, लेकिन मैं भी चैतन्य और शरीर के बीच की दूरी को नहीं देख पाता भैया। इसी प्रकार स्टेप 5, 6 और 7 मुझे प्रस्ताव के रूप में स्वीकार होते हैं, किंतु इस पर अभी बहुत काम करना शेष है भैया। और
अगर इस समझ के साथ पिछले कुछ महीनों में अपने जीने में परिवर्तन की बात करें, तो मेरे साथ कुछ अनुभव जुड़े हैं पिछले दिनों, वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पिछले दिनों हम परिवार सहित कहीं घूमने गए थे, एक शादी में भी शामिल होने गए थे, एक हफ्ते का प्रोग्राम था। किंतु जब घूम करके आए लौट करके एक हफ्ते बाद, तो हमने उस यात्रा के दौरान बहुत सारी खरीदारी की, बहुत कपड़े भी खरीदे थे, और अच्छे अच्छे कपड़े ही जो मेरे पास थे वो पहने गए थे, पूरे परिवार ने पहने थे अच्छे अच्छे कपड़े। तो लौट करके एक दो दिनों में वो प्रेस के लिए तैयार किए गए और एक पोटली में बांधकर उसको प्रेस वाले को दे दिया गया। एक दो दिन बाद वो प्रेस वाला बहुत दुखी मन से आया कि भैया, मैं एक दो दिन से आपकी जो कपड़ों की पोटली था थी उसे ढूंढ रहा हूं प्रेस करने के लिए, वो कपड़े मुझे नहीं मिल रहे। बाद में उसने सूचना दी कि वो कपड़े खो गए। यदि मैं अपने आप में झांक कर देखूं, तो इस यूएचवी सेशन और सुबह के सत्र से पहले यह अगर स्थिति हुई होती तो मेरी प्रतिक्रिया अन्य रूप से होती, किंतु मैंने इसको बहुत सहजता से स्वीकार किया और मुझे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट जैसा अनुभव नहीं हुआ। इसी प्रकार एक कार का छोटा एक्सीडेंट हो गया। टाइट में या पूरे ग्लोबली देखा जाए, पूरे भारतवर्ष में सिविल विभाग की स्थिति अच्छी नहीं है, कुछ कॉलेजों ने इसको बंद भी कर दिया है। तो ये सब घटनाएं जब मैं जोड़ के देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि इन वास्तविकताओं का सामना करने में मुझे पहले से, या देखा जाए तो, बहुत कष्ट नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि मेरी मूलभूत आवश्यकताएं जो है मेरे परिवार की है, उसकी पूर्ति में कोई बाधा नहीं, और मैं बड़ा संतोष रूप से अपने भावों को सहज रखने में अपने आप को कामयाब थोड़ा थोड़ा महसूस करता हूं। आगे अगर हमारी जिम्मेदारी या भागीदारी की बात करें, तो निश्चित तौर से मैं 1 घंटा सुबह यूएचवी के इस सत्र से काफी दिनों से जुड़ा रहने का प्रयास कर रहा हूँ, और आगे भी मैं इस सत्र से जुड़ा रहने के लिए 1 घंटे का रोज समय निकालने का प्रयास करूंगा, और जिसके अनुसार भी मेरे जीवन में धीरे धीरे ही सही एक धनात्मक परिवर्तन आएगा, ऐसी मैं संभावना रखता हूँ। इसके अतिरिक्त अगर भागीदारी की बात करें, तो मैं अपने कॉलेज में छात्रों को यूएचवी का कोर्स पढ़ाने में रुचि रखता हूँ, और इस सेमेस्टर जो बीता सेमेस्टर है उसमें मैंने सेकेंड ईयर के छात्रों को UHV 2 का कोर्स पढ़ाया भी था। भैया, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा और अब मैं विराम लेता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और भैया शेयरिंग रखने के लिए जो मौका मिला उसके लिए पूरी यूएचवी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया, जी धन्यवाद भैया। अतुलकांत भैया के बारे में कहूंगा कि उन्होंने भाषा की संयमिता के साथ जिस तरह से पूरी बात रखी, अभ्यास 1 और 2 के बिंदुओं को रखते समय, या मानव प्रकृति अस्तित्व आचरण इन सब बिंदुओं को रखते समय, कि प्रस्ताव की स्वीकृति हुई है, ध्यान गया है, इतना देख पा रहा हूँ, इतना नहीं देख पा रहा हूँ, इतना जी पा रहा हूँ, इतना नहीं जी पा रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा ढंग रहा। बधाई आपको भैया। इसी विधि से धन्यवाद हमें भैया। अपना निरीक्षण करना है, अपना परीक्षण करना है, अपना मूल्यांकन करना है, और जिस कॉलेज में भैया हैं वहां पे काफी अच्छी संभावना है। बेसिकली उस कॉलेज के ही एक डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने की बात हो रही है, या ऑटोनॉमस कॉलेज के रूप में भी शायद चर्चा हो रही है, और अभी वहाँ 2 वर्कशॉप हुए, एक 3 दिनों का वर्कशॉप हुआ था परिचयात्मक, और एक 8 दिनों का वर्कशॉप हुआ, और वहाँ के जो डायरेक्टर हैं वो भी काफी गंभीर हैं इसको लेकर। उनकी इच्छा है कि जितने भी हेड्स इंस्टीट्यूशन में सभी लोग इस पूरी बात को सुने समझें, और इसको एक वरीयता के साथ प्राथमिकता दी जाए पूरे पाठ्यक्रम में।
अतुल भैया, मुझे लगता है कि आपकी भागीदारी के लिए वो एक बहुत ही अच्छा अवसर है। आप वहाँ जितनी ज्यादा जिम्मेदारियों को स्वीकार पाएंगे, वो जी भैया, आपके विकास के लिए तो होगा ही, परंतु पूरे कॉलेज के और उतने सारे बच्चों के लिए। आप, इतना सारा एडमिशन होता है कॉलेज में, इतने बच्चे निकलते हैं, और एनसीआर रीजन में बहुत अच्छा कॉलेज है आपका, तो थैंक यू उससे भैया। पूरे समाज के विकास में सहयोग मिलेगा। तो भागीदारी जब तक कॉलेज में बहुत फैल कर नहीं मिलती है, तब आप जो ऑनलाइन बोर्ड में बहुत सारी भागीदारी हो रही है उसमें भी जुड़ सकते हैं, उसको आप देख लें आपके समय की जो सीमा है उसके साथ। और कॉलेज में मुझे लगता है कि अब आप आगे बढ़कर थोड़ा सा जिम्मेदारी को और लें। आलोक जी हैं वहाँ पे, जी और भैया, भी कुछ साथी हैं जो ठीक से लगे हैं, आप और साथ में अगर जुड़ जाएंगे तो बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। आपके बहुत सारे डीन्स हैं जो इस पे गंभीरता सुन रहे हैं, इसको सोच रहे हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको आप सहयोग कर पाएंगे। तो आपके लिए भी मेरी तरफ से दोनों ही शेयरिंग बहुत अच्छी रही, प्रेरणादायक। जी धन्यवाद भैया।